आपने बहुत सारी चाय पी होंगी, लेकिन आज हम आपको ये दो कौड़ी वाली स्पेशल चाय पिलाने जा रहे हैं। ये दो कौड़ी का मतलब होता है एकदम बेकार, फिर भी आप पीने आए हैं। बिल्कुल क्यों नाम दो कौड़ी की चाय नहीं था, काफी अलग नाम था। पांडुरंगा का नाम से सोचा था कि पांडुरंगा के नाम से मैं ओपन करूं। नया कॉन्सेप्ट है, दो लोगों को जो लुभाता है। दिल्ली में मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रहा हूँ पूरा। सबको ये लगता है कि एमबीए करने के बाद लाइफ सेटल हो जाती है, बट कभी नहीं होते। आप टिल द ईयर लास्ट ब्रेथ आपका लाइफ कभी भी सेटल नहीं होती है। तो 2009 से लेके 2021 तक मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया एज ए फिटनेस ट्रेनर। आपको पता है कि मतलब फिटनेस में ज़्यादा इनकम नहीं होती है, सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम होती है। सौंदर्य शास्त्र का नमूना ही कहा जाएगा कि इस केटल में ये केटल उठाने वाला हैंडल भी है। वाटर रहता है। सब लोग पूछ रहे कि भैया मतलब एक क्या आदमी जो है गमछा लेके बैठा है, क्या आप ही है? जो मैं प्रभात भैया ने जो यूएसपी पॉइंट लिया है जो बॉडी को लेके, उसको बिल्कुल पॉजिटिव वे में लिया है। कि अब मैं तो कहूँगा आप दो कौड़ी को आप माइंड में लेके जाओ, उनकी चाय पियो और दिल में उसको पॉजिटिव फील लेके आप घर ना आए ना बदल देना मेरा। क्या नाम है आपका? अभिषेक शुक्ला। क्या रखा जाए बदलने के बाद? दो कौड़ी वाले शुक्ला। दो कौड़ी चाय चाय चाय, दो कौड़ी की चाय, चाय 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 चाय, दो कौड़ी की चाय। दिल मिले या ना मिले, दिल मिले या ना मिले, हाथ जरूर मिलाता हूँ। दिल मिले या ना मिले, हाथ जरूर मिलाता हूँ। ये मेरा अंदाज है खातिरदारी का कि मैं दुश्मनों को भी दो कौड़ी की चाय पिलाता हूँ। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बॉन्डर अभिषेक। मैं हूँ अपने शहर कानपुर में और ये है टी ट्रक, सो कॉल्ड टी ट्रक इंट्रोड्यूस किया है और टी ट्रक के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है मिस्टर प्रभात ने। बता दें कि मिस्टर प्रभात इज अ MBA पास आउट एथलेटिक मिस्टर अंडमान एंड नाउ ही इज हेडिंग दिस ट्रक। सो आज का सफर और आज की नजर हमारे प्रिय प्रभात भाई से। हाय, माय नेम इज प्रभात पांडे, आई एम फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड। बेसिकली माय फैमिली बिलोंग्स टू आजमगढ़। एक्चुअली अंडमान में मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ, तो मेरा स्कूलिंग पूरा अंडमान से कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैं अपना ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं बनारस आ गया था। सो आई हैव कंप्लीटेड BBA एंड MBA। MBA के बाद जब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में था 2 साल, तो मुझे जॉब का सेटिस्फेक्शन नहीं लगा। फिर मैं हैदराबाद से जॉब छोड़ के मैं कानपुर आ गया इन द ईयर 2019। उसके बाद एज ए फिटनेस ट्रेनर मैं ज्वाइन किया, एज ए फिटनेस ट्रेनिंग देता था क्लाइंट्स को। तो उसके बाद फर्स्ट लॉकडाउन लग गया, कोविड आ गई। तो कोविड किसी को पता नहीं था मतलब कैसा एक काइंड ऑफ डिजास्टर सबके लिए आएगा, तो मेरे लाइफ में भी ऐसे ही आया था। और मेरे उस वक्त उससे पहले से ही लगी पड़े थे लाइफ में कि मतलब करना क्या है, सोर्स ऑफ इनकम सही से नहीं थी और फ्यूचर क्या है किसी को पता नहीं रहता। आफ्टर MBA सबका एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप जो मतलब आपका जो पैकेज है मोर देन 10 लाख ऑफ 7 लाख हो, बट बोलते हैं ना कि किसी के अंडर में काम करना और खुद के लिए काम करना दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और काफ़ी डिफरेंट होता है। तो मेरे लाइफ में वही चल रहा था। तो मैं फिटनेस ट्रेनिंग दे रहा था बट वहाँ से भी सेटिस्फेक्शन नहीं था। बट मैं इसलिए कर रहा था कि जिम मुझे बहुत पसंद है और जिम ऐसा चीज़ है जो मुझे हमेशा सेल्फ मोटिवेशन देता है। तो आफ्टर कोविड मेरा लाइफ काफ़ी मतलब दिक्कत में होने लगी, फिनेंशियल काफ़ी प्रॉब्लम होने लगा। मैं फिर से मतलब बनारस चला गया अपनी फैमिली के साथ, नियर अबाउट 6 मंथ अपनी फैमिली के साथ रहा। कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, मेरे पॉकेट में मतलब 0 रुपीज़ था। मैं 26 साल के होकर मेरा सोर्स ऑफ इनकम 0, तो काइंड ऑफ मुझे एक तरह से मतलब क्या बोलते हैं, शर्म आ रही थी कि यार 26 ईयर हो के आप MBA करने के बाद भी आपका सोर्स ऑफ इनकम 0 है, तो एक काइंड ऑफ कलंक लग जाता है। तो उसके बाद मैंने फिर से कानपुर आया। जब मैं सेकेंड टाइम कानपुर आया आफ्टर कोविड, तब मेरे जेब में 500 रुपीज़ था। सो मेरे फ्रेंड काफ़ी अच्छे हैं जो मैं कानपुर में, मेरे कानपुर में फ्रेंड है,
तो उनके फ्लैट में मैं रह रहा था, मेरा अबाउट 3 महीने में रहा। उन्हीं के पैसे से मैं खाना खा रहा था, सब कुछ कर रहा था, जिम छूट गया था, जिम के लिए पैसे नहीं था ना ही प्रोटीन के लिए पैसे था। फिर धीरे धीरे फिर से मैं जिम में अप्लाई किया, फिर मैं जिम में ट्रेनिंग देने लगा। फिर सेकेंड मतलब फिर से लॉकडाउन लग गया। अब ये नहीं कि हमेशा लॉकडाउन लगे, हमेशा लॉकडाउन का सीरीज चलता रहे और मैं घर भागता रहूँ, फिर घर में वही बात हो जाए कि फिर से जीरो सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। तो उसके बाद मैं गिवअप नहीं किया, मैं कानपुर में रहा, तो मैं अदर सोर्स ऑफ इनकम के लिए सोचने लगा। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे दोस्तों में मतलब बातें हो रही थी, तो बातें में क्या चलो चाय बना लेते हैं। तो मैं चाय बना कैसी दे रहा था, तो देते वक्त मैं क्या करता, मेरा हमेशा ये रहता है, बचपन से ही रहता है कि खुरापाती बहुत है, तो हम सोचते थे कि कुछ अलग बनाते हैं। तो कुछ अलग बनाने के चक्कर में ही कुछ अच्छा बना दिए। तो दोस्त ही कह रहे थे यार जल्दी बनाओ, क्या 2 कौड़ी की चाय पिला रहे हो। तो 2 कौड़ी की चाय जब जो वर्ड आया दैट पर्टिकुलर टाइम, मतलब उसी टाइम से 2 कौड़ी की चाय का वर्ड आया, प्रखर दुबे एंड महर्षि नारायण जो मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड है, तो उनके मुँह से 2 कौड़ी की चाय आया। तो नेक्स्ट डे मैंने प्रखर को फ़ोन किया, यार हमको बिजनेस स्टार्ट करना है, बट ये 2 कौड़ी की चाय अगर हम ये नाम यूज़ करेंगे तो उनको कोई दिक्कत है कि नहीं। ठीक है, फ्रेंड अलग होता है, ब्लड रिलेशन अलग होता है, बट सबसे परमिशन लेना चाहिए कि अगर किसी बंदे का मतलब मुँह से 2 कौड़ी की चाय का नाम यूज़ हो रहा है तो आपको यूज़ करने के लिए उससे परमिशन लेना चाहिए। तो मैंने भी परमिशन लिया, वो बोले यार क्या यार तुम स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो धीरे धीरे 2 कौड़ी चाय के लिए मैंने 3 महीना कानपुर में सर्वे किया। बींग एम बी ए स्टूडेंट एंड टॉपर ऑफ यूनिवर्सिटी, मैं मतलब बी बी ए में मैंने टॉप ही किया था, मुझे अच्छे मतलब किताबी नॉलेज काफ़ी अच्छा है, इवन प्रैक्टिकल नॉलेज भी अच्छा है कि मार्केटिंग कैसे किया जाए, अगर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना है तो उसका बेसिक जो रूट होता है वो क्या होता है। तो मैंने मार्केट में जो कानपुर है, मैंने सुबह 4 से लेकर रात के 12 बजे तक मैं सर्वे करता था और रैंडम सैंपलिंग करता था। जो टॉप 10 मतलब चाय वाले थे उनके पास जाता था, अपने फ्रेंड्स को लेके जाते थे कि वहाँ पे रैंडम सैंपलिंग करते कि भैया आज तुम यहाँ टेस्ट करो, तुम यहाँ टेस्ट करो। फिर नेक्स्ट 11 डेज़ के बाद फिर से हम आते थे सेम जगह में, क्या टेस्ट में कोई डिफरेंस है कि नहीं। तो पापा के रिटायरमेंट के बाद धीरे धीरे पैसा चला जाता रहा, तो मैंने कैसे कैसे पैसे के लिए मैंने यहाँ वहाँ बोला भी तो हेल्प नहीं मिला। कुछ फ्रेंड भी काफ़ी अच्छे थे मेरे, जो करीब भी थे, जो नए फ्रेंड मिले उन्होंने भी हेल्प किया। सबसे ज़्यादा हेल्प मेरे ब्रदर की, जो कि मेरे भाभी का जो गोल्ड है गिरवी रख के वहाँ से लोन उठाए, पापा का पेंशन से मैंने लोन लिया। तो धीरे धीरे हर जगह से मैं इनपुट लेता गया, तब जाके आज की 2 कौड़ी की चाय मेरे पीछे खड़ी है। हर दिन ट्राई करता था कि यार 2 कौड़ी की चाय में जो स्पेशल 2 कौड़ी की मोहब्बत रखना चाहते हैं उसमें 15 मसाला मिला तो रहते, बट वो टेस्ट नहीं आ रहा था। काफ़ी फेलियर्स हुआ, ऐसा नहीं कि काफ़ी मतलब एक दिन में बन गया, 2 दिन में बन गया। नियर अबाउट मेरे जनवरी में मेरा 2 कौड़ी की मोहब्बत की जो फार्मूला हुआ सक्सेस हुआ, और उससे पहले से मैं मतलब अपना मैन्युफैक्चरर से बोल देते कि भैया आप ट्रक बनाइए, धीरे धीरे मैं कर लूँगा जो भी करना है। तो एक पीयर ग्रुप में भी प्रेशर आने लगा, फ्रेंड्स बोले यार क्या मतलब चाय का दुकान खोल रहे हो, रिलेटिव भी बोल रहे थे क्या चाय का दुकान खोल रहे हो, बीइंग एमबीए स्टूडेंट क्या चाय का मतलब दुकान खोल रहे हो। तो ऐसे काफ़ी प्रेशर हो रहा, काफ़ी डिप्रेशन भी महसूस होता था, बट ये ना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको ना हमेशा बहुत कुछ सिखाती है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका अलग अलग वे में आता है, या तो आपका जिम से आता है या आपके खुद का क्रिएटिविटी से आता है। तो मेरे क्रिएटिविटी और मेरा जो जिम था उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मुझे मिलता था। तो मैंने जब जनवरी 12 या 13 को मेरा जो आपका 2 कौड़ी की मोहब्बत सक्सेस हुआ, तो मैंने धीरे धीरे लोगों को पिलाना लगा कि भैया सिंपल सा चाय आप पी के देखिए टेस्ट कैसा है। तो उनका रिएक्शन काफ़ी अच्छा था, मतलब काफ़ी यूनिक था। फिर मुझे लगा चलो ठीक है अब इसमें कुछ और यूनिक लाते हैं, तो मैंने धीरे धीरे फ्लेवर्स ऐड करने लगा। तो ये 2 कौड़ी का जो चाय का मतलब स्टार्ट है, यहाँ जर्नी जो है मतलब यहीं से स्टार्ट हुआ। ज़्यादा कुछ यूनिक चीज़ नहीं हो पाया, बस ये कि मैंने जो भी किया सब अपने दम में किया, मतलब सोशल मीडिया हैंडलिंग से लेके डिज़ाइनिंग से लेके मार्केट सर्वे, आपका जो भी डिज़ाइन है ठीक है, सारा कुछ मैंने खुद से किया। तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब मेरा कहीं वर्थ रहा एमबीए करने का। पहले मैं सोच रहा था कि मैं वर्कर रखूँगा, मैं ये रखूँगा, मैं उनों से काम करवाऊँगा, थोड़ा प्रैक्टिकल वे में सोच रहा था, काइंड ऑफ मतलब ओनर सोच रहा था। जब मैं सोचा कि नहीं मैं खुद से करूँगा, मैं बर्तन भी खुद मार दूँगा, मैं ड्राइविंग भी खुद करूँगा, मैं चाय भी सर्व करूँगा, कस्टमर को रिटेन करने के लिए जो रिलेशनशिप बनाना होता है काइंड ऑफ मार्केटिंग वो खुद मैं करूँगा, सोशल मीडिया भी खुद हैंडलिंग कर रहा हूँ। तो सारे चीज़ अब जब करने लगा अब मेरे लिए इजी वे हो गया, बट ये पहले जब मैं स्टार्ट करने वाला था काफ़ी डिफिकल्टी महसूस हो रहा, काफ़ी लोग कह रहे थे कि यार किसी को रख लो, मतलब जब तक किसी को रखोगे नहीं तुम जितना बजट लगा रहे हो तुम मतलब सक्सेस नहीं हो पाओगे, काइंड ऑफ डिमोटिवेशन चल रहा था। बट उन लोग से हट के मैंने कुछ अलग सोचा और मैंने खुद में बिलीव दिखाया कि मेरे अंदर क्षमता है, इसलिए आज मैं खड़ा हूँ
और मेरे लोग तारीफ करके जा रहे हैं कि मेरे जैसा चाय कानपुर में नहीं है, और मैं खुद भी गारंटी दे रहा हूँ कि मेरे जैसा चाय कानपुर में नहीं है। चूंकि मैं चाय नहीं पीता, लिहाजा इनकी चाय का ऑनेस्ट रिव्यू करना मेरे लिए नाकाफी होगा, और अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो शायद मैं इसे ईमानदारी से नहीं कर पाऊँ। लिहाजा मैंने कुछ लोगों को यहाँ पर चुना है जिन्होंने चाय की चुस्कियाँ लेते हुए इनकी चाय पर अपनी टिप्पणियाँ, ऑनेस्ट टिप्पणियाँ दी हैं। सो सुनिए दो कौड़ी की चाय की कहानी उन पीने वालों की जुबानी। फीडबैक ये मिला था कि तुम्हारी कॉफी बरिस्ता और सीसीडी की टक्कर ली है। अच्छा, ईमानदारी से हमें बताइएगा, चाय बेशक आपने दो कौड़ी की पी, लेकिन पैसे के लायक थी जो पैसा आपने दिया? इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव, फर्स्ट टाइम इन कानपुर, एंड आई हैव नेवर सीन सच अ कॉन्सेप्ट इन कानपुर। प्रभात, चाय बहुत टेस्टी और पान का फ्लेवर, टेस्ट बहुत ही लाजवाब, और आप यहाँ मानो चाय बन रही है वहाँ खड़े हो, वहाँ तक स्मेल जाती है उस चाय की, एकदम यूनिक टेस्ट। आई हैव बीन टू वेरियस प्लेसेस, ठीक है, फॉर लाइक पुणे, बैंगलोर, तो उसमें क्या होता है कि जहाँ पर भी फूड स्ट्रीट होती है, तो फूड स्ट्रीट में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए व्हाट दे डू इज़ बेसिकली कि उसका जो कलर शेड होता है और जो जिस तरीके का डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करते हैं उससे जो है बहुत सारी पब्लिक अट्रैक्ट होती है और वो आती है। सो ये एक बहुत बड़ा मतलब मेन वो रहेगा पब्लिक अट्रैक्शन की। स्वाद है, मतलब एक अलग टेस्ट है। अगर कोई फ्लेवर है, जो भी फ्लेवर मैंने पता नहीं क्या तुमने ऑर्डर किया है उस चीज़ का, ठीक है, लेकिन टेस्ट है ये, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को एक एंटरप्रेन्योरशिप और एक कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताता है कि जो कोई भी पर्सन है और उसको दिखता है कि अगर जॉब नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो कहता है कि अपना की ट्रक खोलेंगे, अपना छोटी जगह बनाएंगे, ज़रूरी नहीं कि पूरी जगह ही चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हमें प्रॉपर सेटअप ही चाहिए, वो छोटे से स्टार्ट करना चाहता है। और ये हम लोग दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो स्कीम थी हमारे प्राइम मिनिस्टर की कि आत्मनिर्भर भारत दिखा रहा है कि वो आत्मनिर्भर है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो छोटा ट्रक लगाएगा, उसमें चाय बेचेगा, उसमें सेल करेगा, अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। सर, ये चाय बड़ी अच्छी बनाता है और कई वेराइटी की चाय है उसके पास, आप एक चाय में एक सिप लोगे एक फ्लेवर आएगा, दूसरा लोगे दूसरा, तीसरा लोगे तीसरा। ये मेरा शहर है, ये मेरी नज़र है, ये प्रभात भैया हैं और उनके साथ ये हमारा पूरा दो कौड़ी की चाय का सेटअप है। हमारे देश में एक मुहिम चल रही है मोदी जी के नेतृत्व में, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर। तो टू बी वेरी फ्रैंक, इन्होंने जैसे बोला है कि लोग चाय से बहुत इमोशनल कनेक्ट होते हैं, मैं इनकी कहानी से अपने आप को जोड़ के बहुत देख पा रहा हूँ, क्योंकि ये ज़मीन से उठकर ऊपर तक हमें ले जाती है, हमें अपनी जड़ों से जोड़ के रखना सिखाती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई बनावटीपन नहीं है, पूरा देसी हिसाब किताब और मिजाज है। तो इट्स माई पर्सनल अपील, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिज चाय एंड हिज स्टोरी, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, हिट द शेयर बटन, और हाँ, अपने इस दो कौड़ी के यूट्यूबर को प्रमोट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय रहेगा। थैंक यू भैया, थैंक्स अ लॉट।